हरदोई मार्ग पर कटिया मऊ स्थित फौजी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही हुई है। सीएमओ के निर्देश पर नोडल अधिकारी मनोज सिंह व सीएचसी अधीक्षक किसलय वाजपेयी के नेतृत्व में अकस्मात छापा डालकर कार्यवाही की गई। अस्पताल सीज करने के साथ साथ संचालक तथा कथित डॉक्टर एके पासवान और स्वास्थ्य विभाग बड़ी कार्यवाही की तैयारी में है। कैंसर के नाम पर ग्रामीण अंचलों के भोले भाले मरीजों से अस्पताल संचालक अन्य लोगों के साथ मिलकर लूट कर रहा था। गत वर्ष भी निरीक्षण में अवैध पाए जाने पर फौजी अस्पताल पर विभाग ने सीज की कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने चढ़ावा लेकर मनमानी तरीके से फौजी हॉस्पिटल का फिर से पंजीकरण कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में फौजी हॉस्पिटल में मरीजों की जान से लगातार खिलवाड़ कर रहा था। बता दें कि छापेमारी के दौरान तथाकथित अस्पताल संचालक व अन्य तथाकथित स्वास्थ्यकर्मी मौके से फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मनोज सिंह ने बताया कि अवैध व मानक विहीन अस्पतालों क्लिनिकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग का अभियान अब आगे भी निरंतर चलता रहेगा। मानकों के विपरीत अवैध रूप से संचालित अस्पतालों क्लिनिकों पर स्वास्थ्य महकमा सीज और एफआईआर की कार्रवाई करेगा। था क्या इसमें इलाज किया जा रहा था, क्या कार्यवाही की गई है? पत्र समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे आज पता चला कि लखनऊ रोड पे कछौना में ग्राम कटिया मऊ के पास फौजी हॉस्पिटल हो रहा है, जो कि पूर्ण ही एक छप्पर डाल के आज जो अधीक्षक डॉक्टर किसलय वाजपेयी के साथ पूरी टीम, जिसको कि गर्भाशय का कैंसर था, जो महिला है वो वहाँ पर भर्ती मिली, उसको एम्बुलेंस के द्वारा 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य मौके से फरार है। लगभग 10 बेड वहाँ पड़े हुए हैं। वह अस्पताल को कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया।